एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह हर रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता था। रोज की तरह वह जंगल में लकड़ियां काट रहा होता है, तभी शाम हो जाती है। अरे ये क्या, आज तो समय का पता ही नहीं चला। अगर रात हो गई तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। फिर वह घर की ओर वापस लौटने लगता है, तभी जोर जोर की बारिश होने लगती है। अरे ये क्या, ये अचानक से बारिश कैसे होने लग गई? थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे रुक जाता हूँ। वह जल्दी से उस पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है, तभी उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। अरे ये कैसी आवाजें हैं? हे भगवान, मुझे लगता है आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला हूँ। तभी बारिश रुक जाती है और वापस वह अपने गाँव की तरफ चल देता है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह बार बार मुड़ मुड़ के देखता है, लेकिन उसे पीछे कोई दिखाई नहीं देता। फिर वह आगे की ओर चल देता है, तभी पीछे से कोई उसका नाम पुकारता है। बिरजू, बिरजू, कहाँ जा रहे हो? बिरजू, बिरजू। वह बहुत डर जाता है। वह फिर से पलट कर देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। फिर उसे गांव वालों की बात याद आती है, जो अक्सर कहा करते थे कि अगर जंगल में रात होने पर तुम्हें कोई पीछे से पुकारे तो पलट कर नहीं देखना। हे भगवान, आज तो मैं बहुत बुरा फंस गया। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पलट के नहीं देखूंगा। फिर वह अपने गांव की तरफ आगे चल देता है। तभी अचानक से एक चुड़ैल बिरजू का पीछा करने लगती है। ए बिरजू, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो। बिरजू, बिरजू बहुत डर जाता है। अरे अब क्या करूं? जी आप कौन हैं? जरा अपना नाम तो बताइए। मैं प्रेमलता हूँ। मैं जन्मों जन्मों से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रही हूँ। जरा मुझे पलट के तो देखो ना। नहीं नहीं प्रेमलता जी, आज मुझे घर जाने में देरी हो रही है। मेरी बीवी मेरा घर पे इंतजार कर रही होगी। आज मुझे जाने दे, मैं कल फिर लौट कर आऊंगा। नहीं नहीं, तुम मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हें मुझे पलट कर देखना ही होगा। बिरजू बहुत डर जाता है। अरे भागो रे, ये तो कोई चुड़ैल लगती है। फिर वह भागने लगता है। चुड़ैल भी उसका पीछा करती है। अरे भागता कहाँ है डरपोक, रुक जा, तुझे मैं इस जंगल से निकलकर नहीं जाने दूंगी। अरे भागो रे, अपनी जान बचा के भागो। फिर बिरजू भागता 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 अपने गांव पहुंच जाता है। अरे प्रियतम दरवाजा खोलो, अरे जल्दी खोलो, मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी हुई है। अरे आ रही हूँ, थोड़ा सब्र तो रखो। पता नहीं कौन है जो इतनी जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है। अरे प्रियतम दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो, कहीं वो चुड़ैल यहाँ ना आ जाए। अरे मूर्ख औरत, जल्दी दरवाजा खोल। तभी उसकी पत्नी दरवाजा खोलती है। बिरजू भाग कर अंदर घुस जाता है। जल्दी से दरवाजा बंद कर दो, कहीं वो चुड़ैल मेरा पीछा करती करती यहाँ ना आ जाए। हे भगवान, आप ठीक तो है ना? आज तो मैं बाल बाल बच गया। आज तो वो चुड़ैल मेरे पीछे ही पड़ गई थी। कहीं आपने उसे पलट के तो नहीं देखा ना? नहीं नहीं, मुझे पता था कि अगर जंगल में कोई स्त्री तुम्हें पीछे से पुकारे तो उसे पलट के नहीं देखना है। लेकिन आपको तो लकड़ी काटने रोज जंगल जाना ही पड़ता है। अब आप कल क्या करेंगे? अगर आप लकड़ियां काट कर नहीं लाएंगे तो शहर में जाकर बेचेंगे क्या? मुझे लगता है इस चुड़ैल की वजह से तो हमारी रोजी रोटी ही छिन जाएगी। तुम घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इस चुड़ैल के डर से जंगल से लकड़ियां लाना नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इस चुड़ैल ने कल फिर आपके ऊपर हमला कर दिया तो फिर आप क्या करेंगे? तुम घबराओ मत, मेरे पास एक तरकीब है। तुम अब जाकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है। फिर उसकी बीवी कमरे में सोने चली जाती है। अगला दिन होने पर बिरजू फिर से जंगल में लकड़ी काटने जाता है। बिरजू डरते डरते जंगल में पहुंच जाता है। फिर वह लकड़ियां काटने लगता है। हे भगवान, कहीं आज भी वो चुड़ैल ना मिल जाए। जल्दी से लकड़ियां काट कर यहाँ से निकल जाता हूँ। अभी तक तो किसी चुड़ैल का नामो निशान नहीं दिख रहा। एक काम करता हूँ, कल के हिस्से की लकड़ियां भी आज ही काट लेता हूँ, ताकि मुझे कल वापस जंगल ना आना पड़े।
फिर वह ज्यादा लालच के चक्कर में और लकड़ियां काटने लगता है। तभी अंधेरा हो जाता है और डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। हाय रे, ये कैसी आवाजें हैं? कहीं मैंने ज्यादा लालच के चक्कर में गलती तो नहीं कर दी? फिर वह डर के मारे इधर उधर देखने लगता है। राजा जी, आप वापस आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। कल तो आप डर के मारे भाग गए थे। मुझे लगा आप वापस लौट के नहीं आएंगे। कौन है वहाँ? अभी मेरे सामने आओ। फिर उसे चुड़ैल का ध्यान आता है। अरे नहीं नहीं, रुको, सामने मत आना। आपको जो भी काम है आप वहीं से बता दो। तभी वह चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है। बिरजू उस चुड़ैल की तरफ पीट करके खड़ा हो जाता है और चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है। राजा जी, आप कैसे हैं? कल आप मुझसे डरकर भाग क्यों गए थे? जरा पलट कर मुझे देखिए तो सही। नहीं नहीं चुड़ैल जी, मैं पलट कर आपको नहीं देख सकता। अगर मैंने पलट कर आपको देखा तो आप मुझे मार दोगे। हाय, मुझे माफ कर दो और मुझे जाने दो। आज तुम्हें मुझे पलट कर देखना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हें आज कहीं नहीं जाने दूंगी। मुझे लगता है आज ये चुड़ैल मुझे यहाँ से नहीं जाने देगी। अब क्या करूँ? एक काम करता हूँ, जो तरकीब मैंने कल रात को सोची थी उसे आजमा कर देखता हूँ। क्या पता मेरी तरकीब काम कर जाए। ठीक है चुड़ैल जी, मैं आपको पलट कर जरूर देखूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, फिर मैं पलटूंगा। अच्छा, तो राजा जी को मुझसे शर्म आ रही है। ठीक है राजा जी, मैं अपनी आंखें बंद कर रही हूँ। फिर चुड़ैल अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी बिरजू भाग कर जाता है और अपने झोले से एक आईना निकाल कर ले आता है और चुड़ैल के सामने खड़ा हो जाता है। चुड़ैल जी, देखो मैं आपके सामने ही खड़ा हूँ, अब आप अपनी आंखें खोल सकती हैं। तभी चुड़ैल अपनी आंखें खोलती है और वह दंग रह जाती है। उसे अपने सामने एक और चुड़ैल दिखाई देती है। ए, कौन है तू? ये मेरा शिकार है, तू उसे इसी वक्त छोड़ दे। फिर वह चुड़ैल अपने ही अक्स को डराने की कोशिश करती है। ए, इस जंगल पर सिर्फ मेरा राज है, तू अभी के अभी ये जंगल छोड़कर यहाँ से चली जा। जितना चुड़ैल उसे डराने की कोशिश करती है उसका अक्स पलट कर उतना ही डराता है। अरे, ये तो मुझसे डर ही नहीं रही, मैं इसे जितना भी डराने की कोशिश करती हूँ ये उतना ही मुझे डरा रही है। इसी मौके का फायदा उठाकर बिरजू छुप के आईना जमीन पर रखता है और चुपके से वहाँ से निकल जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अरे भागो रे, अपनी जान बचा के भागो, लगता है मेरी तरकीब काम कर गई। फिर वह भागता भागता गांव पहुंचता है और गांव वालों को पूरी बात बताता है। वहां दूसरी तरफ वो चुड़ैल अपने ही अक्स को डराने की कोशिश करती रहती है। अरे भाइयों, तुम्हें पता है मेरी तरकीब काम कर गई। मैंने अभी चुड़ैल को आईना दिखाया तो वो अपने ही अक्स को डराने लगी और अब खुद ही डर रही है, क्योंकि जितना वो अपने अक्स को डराने की कोशिश करती है उसका अक्स उसे उतना ही डराता है। मेरे पास एक तरकीब है, अगर तुम सब मेरा साथ दो तो हम हमेशा के लिए इस चुड़ैल से छुटकारा पा सकते हैं। फिर बिरजू गांव वालों को अपनी तरकीब के बारे में बताता है। ठीक है भाई बिरजू, मुझे तुम्हारी तरकीब में दम लगता है, चलो हम अभी जंगल चलते हैं। वे सारे अपने हाथों में एक एक आईना पकड़ कर जंगल की ओर चल देते हैं और थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाते हैं। चुड़ैल अभी भी आईने में अपने ही अक्स को डराने में लगी हुई होती है। गांव वाले चुड़ैल के पास पहुंचकर अपने अपने आईने को आगे की ओर कर देते हैं। ए चुड़ैल, तू यहाँ क्या कर रही है? ये अब हमारा जंगल है, अगर तू अभी के अभी जंगल छोड़ कर नहीं गई तो हम सब चुड़ैलें तुझे मार देंगी। चुड़ैल अपने सामने इतनी सारी चुड़ैलों को देख कर बहुत डर जाती है। हाय रे, ये इतनी सारी चुड़ैल कहाँ से आ गई? लगता है मुझे ये जंगल छोड़कर यहाँ से भागना ही पड़ेगा। फिर वह चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। बिरजू भैया की जय, बिरजू भैया की जय। वाह बिरजू भैया, आपकी तरकीब तो काम कर गई, आपकी वजह से हमें इस चुड़ैल से छुटकारा मिल गया। बिरजू भैया की जय, बिरजू भैया की जय।